अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुजीब उल हसन और आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एच पाइलोरी की इन्फेक्शन के रिलेटेड। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो कि सबब बनता है पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्राइटिस जैसी डिजीज़ का। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एच पाइलोरी क्या होती है और किन अफराद के अंदर पाई जा रही होती है और स्पेशली किस वजह से हो रही होती है। सेकेंडली, इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है और होम्योपैथी में किस तरह से एच पाइलोरी के पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। इन तमाम तर पॉइंट्स पर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड आपको मिलती रहे। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो फीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड अपडेटेड रहने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एच पाइलोरी क्या होता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इस बैक्टीरिया का कंप्लीट नेम आ जाता है जो कि काज बनता है स्टमक इन्फेक्शन और डीडूनम इन्फेक्शन। डीडूनम कहते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट आ जाता है। अब इन्हीं इन्फेक्शन की बेस पे ही मोस्टली पेशेंट को पेप्टिक अल्सर की डिजीज हो जाती है और कुछ पेशेंट को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एच पाइलोरी का बैक्टीरिया स्टमक की जो लाइनिंग्स होती हैं या लेयर्स होती हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब टोटल स्टमक की चार मेजर लेयर्स पाई जा रही होती हैं। फर्स्ट लेयर मुकोजा, सेकंड लेयर सबमुकोजा, थर्ड लेयर मस्कुलरिस एक्सटर्ना, फोर्थ लेयर सेरोजा। अब इस इन्फेक्शन के अंदर जो स्टमक की इंटरनल लेयर होती है मुकोजा, जो कि एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड होती है, वो डैमेज हो जाती है। अब उस डैमेज की वजह से वहाँ पर स्लोली इन्फ्लेमेशन सेल्स डेवलप होने लग पड़ते हैं और साथ स्वेलिंग भी होने लग पड़ती है। इसी कंडीशन को ही गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। पेशेंट की सिम्टम्स ये होती हैं इस प्रॉब्लम के अंदर कि उसको हल्का हल्का पेन फील हो रहा होता है अपने स्टमक की किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। अब जिस जगह के ऊपर ये इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई भी होगी, सोजिश हुई भी होगी, वहाँ पर ही पेशेंट ये दर्द आहिस्ता आहिस्ता महसूस कर रहा होगा। एच पाइलोरी बैक्टीरिया 50 से 75% जो पॉपुलेशन है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। कुछ अफराद के अंदर ये बैक्टीरिया एक्टिव होता है, कुछ में डीएक्टिव पाया जा रहा होता है। अब इसकी कुछ सिम्टम्स भी होती हैं जिस हवाले से हम आगे चल कर बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि जो अफराद काफ़ी ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके अंदर अक्सर ये बैक्टीरिया एक्टिव ही पाया जा रहा होता है और इस तरह के पेशेंट को अक्सर पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होता है। अगर इस डिज़ीज़ का काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो फिर ये स्टमक कैंसर का सबब भी बन सकता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट एच पाइलोरी इन्फेक्शन के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि एच पाइलोरी का जो बैक्टीरिया है ये पर्सन टू पर्सन काफ़ी ज़्यादा इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। अब किन चीज़ों के ज़रिए ये ट्रांसफ़र होता है वो पॉइंट्स में मैं शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अफराद काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के बर्तन यूज़ हुए हुए इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उन अफराद में ये काफ़ी ज़्यादा ईजीली इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाती है। ये जो अफराद काफ़ी ज़्यादा एक हजूम के अंदर ही अपना टाइम गुजार रहे होते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे अक्सर स्कूल में अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं दिन के 6 से 8 घंटे, तो वहाँ पर अक्सर वो पानी वगैरह पीने के लिए गिलास वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो कि सही तरह से साफ़ नहीं होता। इसी वजह से बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही होती है। सेकेंडली, जो अफराद काफ़ी ज़्यादा होटलिंग वगैरह करते हैं या किसी ऐसी जगह पर काम वगैरह कर रहे होते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हजूम पाया जा रहा होता है और वो जो बर्तन होते हैं वो एक दूसरे के अक्सर यूज़ हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी उन अफराद में ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया ख़ुद को किस तरह से सर्वाइव कराता है या फिर प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एसिड्स वगैरह पाए जा रहे होते हैं जो कि हमें मुख्तलिफ इन्फेक्शन से बचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया ये फिर ख़ुद को किस तरह से सर्वाइव कराता है। एच पाइलोरी बैक्टीरिया हमारे स्टमक या फिर ड्यूडेनम की जो म्यूकस लेयर होती है उसको डैमेज करके अंदर दाखिल होता है
और उसके अलावा ये एक एंजाइम रिलीज करता है जिसे यूरियास कहा जाता है। अब यूरिया कन्वर्ट होता है अमोनिया के अंदर और अमोनिया ही इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर रही होती है स्टमक एसिड से। अब दूसरी तरफ ये बैक्टीरिया जो म्यूकस लेयर को डैमेज करते हुए स्टमक में या ड्यूडेनम में दाखिल हुआ होता है तो ये वहाँ पर इंटरनली तौर पे जो टिश्यूज़ होते हैं स्टमक के या ड्यूडेनम के उनको अंदर से खाने लग पड़ता है और उसी वजह से ही पेशेंट को सीवियर किस्म का इचिंग वाला पेन फील हो रहा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स की क्या सिम्टम्स पाई जा रही होंगी। मोस्टली जिन पेशेंट्स को एच पाइलोरी की प्रॉब्लम होती है उनमें इतनी ज़्यादा सिम्टम्स नहीं पाई जा रही होती हैं, लेकिन कुछ अफराद के अंदर सिम्टम्स देखने मिलती हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत बोझलपन का शिकार रह रही होती है। सेकेंडली उनकी जो भूख होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और उनका जो वज़न होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कम होने लग पड़ता है। थर्ड पे इस तरह के अफराद को अक्सर औकात वोमिटिंग वगैरह की कैफियत या फिर मतली की कैफियत का सामना करना पड़ रहा होता है। अब इस तरह के अफराद को अक्सर औकात इंडाइजेशन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहती है और खाना वगैरह खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा बिखारे वगैरह आने लग पड़ती हैं। अब इस तरह के पेशेंट का स्टूल का कलर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक शेडो में पाया जा रहा होता है। अब ये कुछ कॉमन सिम्टम्स थी एच पाइलोरी के पेशेंट की जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि एच पाइलोरी की इन्फेक्शन को किस तरह से डायग्नोज किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ब्लड टेस्ट के ज़रिए भी डायग्नोज किया जाता है। एच पाइलोरी एंटीबॉडीज़ के नेम से इसका टेस्ट होता है जो कि ब्लड में लिया जाता है। सेकेंडली स्टूल टेस्ट होता है स्टूल फॉर एच पाइलोरी और थर्ड पे एंडोस्कोपी के ज़रिए भी इस डिज़ीज़ को डायग्नोज किया जाता है। अब हम उन होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से डिस्कस करते हैं जो कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन में इस्तेमाल कराई जाती है। सबसे पहली मेडिसिन आ जाती है साइलर सिरप। अब ये मेडिसिन पाकिस्तान में रहने वाले जो अफराद हैं उनको ईजिली मिल जाएगी। कमाल होम्योपैथिक लेबॉर्ट्री की जानब से ये मेडिसिन बनाई जा रही होती है। इसके रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा क्विक मिलते हैं जिन अफराद को एच पाइलोरी की इन्फेक्शन होती है, गैस्ट्राइटिस होती है, पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम होती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। आपने सिरप के दो दो चम्मच तीन टाइम इस्तेमाल करने हैं खाने से पहले। अब इसके बाद सेकंड तीन मेडिसिन का कम्बिनेशन आ जाता है, नक्सोमिका 30, कार्बोविज 30 और अर्जेंटम नेट्रिकम 30। ये तीनों मेडिसिन आपने 30 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करनी होगी। 5-5 ड्राप एक कप पानी के अंदर डालकर तीन टाइम। ये मेडिसिन इजीली पाकिस्तान में रहने वाले पेशेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडिया वाले जो पेशेंट्स हैं वो भी इजीली इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों मेडिसिन को आपने खाने से पहले इस्तेमाल करना होगा। अब इसके अलावा मैं यहाँ पर यह भी बताता जाऊँ कि होम्योपैथी में और भी कई सारे मेडिसिन अवेलेबल हैं इस प्रॉब्लम के लिए। मोस्टली जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं ये पेशेंट की सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए ही अप्लाई कराई जा रही होती हैं। मेरा आपको मशवरा यही होगा कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ लाजमन मशवरा करें, उनकी कंसल्टेशन की बेस पे आप होम्यो मेडिसिन को यूज़ किया करें। अब लास्ट पर हम डिस्कस करते हैं कि इस मेडिसिन के ड्यूरेशन में आपने किन चीज़ों से परहेज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दही, अचार, करारे चावल, गोश्त, इन चीज़ों से आपने लाजमन परहेज़ करना है और स्पेशली सब्ज़ और सुर्ख मिर्च जो है यह आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। काली मिर्च हसबे ज़ायका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और पीने में नीम गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो इस मेडिसिन के हवाले से आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर भी अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रابطہ कर सकते हैं। वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।